कोदंड मंडन, ये भी देखो उसी की पुस्तक है। देन आफ्टर अगर अपन देखते हैं तो सगुन मंडन, सगुन मंडन, और कहीं भी कोई भी पुस्तक है जिसके नाम में अगर मंडन है, जिसके नाम में अगर मंडन है, तो वो सारे की सारी पुस्तकें जब मानी जाती है वो सबका रचयिता एक ही व्यक्ति है, और ये रचयिता है मंडन। और ये बात समझ में लिखो, नहीं मैं लिखा देता हूं आप लिखो, हेडिंग डालो कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, जल्दी करो, कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां, आगे लिखो इसमें, कुंभा को संगीत में निपुण होने के कारण, कुंभा को संगीत में निपुण होने के कारण, संगीत में निपुण होने के कारण, निपुण होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य कहा गया, भट्टाचार्य, भट्टाचार्य नहीं भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। नेक्स्ट लिखो, निकलिया कुंभ रचित संगीत ग्रंथ, कुंभ रचित संगीत ग्रंथ, संगीत ग्रंथ, संगीत ग्रंथ, इनमें लिखो, तीन किताबें लिखनी है आपको, ये तीनों नाम लिखना है, संगीत सार, संगीत मीमांसा और शूद्र प्रबंध, संगीत सार, संगीत मीमांसा, शूद्र प्रबंध, ये कुंभा के द्वारा लिखी गई तीन पुस्तकें हैं, और उन तीनों का संबंध है संगीत से। संगीत सार, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, सूड प्रबंध, लिख लिया आप लोगों ने तीनों, देखो उसके बाद में बात करें। तो अब नेक्स्ट लिखो, कुंभ रचित अन्य ग्रंथ, कुंभ रचित अन्य ग्रंथ, कुंभा रचित अन्य ग्रंथ, कुंभा रचित अन्य ग्रंथ, इन ग्रंथों में नाम लिखिए, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया के आगे लिखो गीत गोविंद की टीका, मूल ग्रंथ क्या है गीत गोविंद, और इसकी टीका है गीत गोविंद की टीका, टीका है, टीका मतलब उसका छोटा रूप होता है, गीत गोविंद की टीका। दूसरा लिखो चंड सत्तिका की टीका, चंड सत्तिका की टीका, चंड सत्तिका, चंड सत्तिका की टीका। एंड थर्ड लिखो राजवर्णन, राजवर्णन के आगे लिखिए एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग, एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ है कान्हा व्यास द्वारा रचित, और इसी का प्रथम भाग राजवर्णन कहलाता है। इस राजवर्णन की रचना की थी कुंभा ने, राजवर्णन, कान्हा व्यास, वो मैं लिखा दूंगा आगे, आप बैठो पहले, करो हे देवियो, मैं लिखा दूंगा आगे, आप तो जो बता रहा हूं वो लिखते जाओ, ठीक है, आप तो अभी इतना लिख लो, राजवर्णन क्या है एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग, लिख लिया आप लोगों ने, एक लिख लो सुधा प्रबंध,
सुधा, हाँ ये अन्य ग्रंथ है सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध। आगे बात समझ में? देखो ये तो सारे जो ग्रंथ हैं इनकी रचना तो की है कुंभा ने। अब कुंभा के बहुत सारे दरबारी भी थे, उन दरबारियों ने भी ग्रंथ लिखे हैं, तो किस दरबारी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है और उस दरबारी के बारे में जानकारी अपन लेंगे। तो इनमें से पहला दरबारी है मंडन। आप हेडिंग डालो कुंभा के प्रमुख दरबारी, कुंभा के प्रमुख दरबारी विद्वान, कुंभा के प्रमुख दरबारी विद्वान, प्रमुख दरबारी विद्वान। सुधा प्रबंध अलग है, सूड प्रबंध अलग है। सूड प्रबंध संगीत के है, सुधा प्रबंध राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। किताबें लिखा रहा हूं मैं उसके, ज्यादा नहीं लिखा है, बस आधा ही पेज भर आया है। आगे देखिए मंडन के बारे में, पहला लिखो मंडन के बारे में, गुजरात के खेता ब्राह्मण का पुत्र मंडन, कुंभा के प्रमुख दरबारी, उन दरबारियों में पहला दरबारी है मंडन, और मंडन के बारे में लिखी है गुजरात के खेता ब्राह्मण का पुत्र, गुजरात के खेता ब्राह्मण का पुत्र, खेता ब्राह्मण का पुत्र। क्लियर चीज? नेक्स्ट लिख ले इसी में, कुंभा के प्रधान शिल्पकार या वास्तुकार, कुंभा के प्रधान शिल्पकार भी लिख सकते हो आप, वास्तुकार भी लिख सकते हो, प्रधान वास्तुकार ऑब्लिक शिल्पकार, वास्तुकार ऑब्लिक शिल्पकार। नेक्स्ट, मंडन, मंडन की रचनाएं कौन कौन सी है, यानी मंडन ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों के नाम है। ये पहला लिखिए वास्तुसार, वास्तुसार। सेकंड इज राजवल्लभ, राजवल्लभ प्रासाद मंडन, प्रासाद मंडन। देव मूर्ति प्रकरण, देव मूर्ति प्रकरण, देव मूर्ति प्रकरण ऐसी चल रही है ना, 2 मिनट में सही हो जाएगा ये, थोड़ा सा कूल होने दो इसको। देव मूर्ति प्रकरण, कोदंड मंडन, कोदंड का मतलब समझते हैं आप, कोदंड बोलते हैं धनुष को, कोदंड किसी का जाता है धनुष, तो धनुष विद्या से संबंधित है यह ग्रंथ। कोदंड का मतलब होता है धनुष, समझ आ गया, कोदंड धनुष। सगुन अपशकुन, सगुन मंडन, सगुन मंडन, सगुन अपशकुन के बारे में, सगुन मंडन। क्लियर चीज है? ये तो देखो सारा मंडन के बारे में है। मंडन के बाद में एक मंडन का बेटा जिसका नाम है गोविंद, मंडन का बेटा का नाम क्या था, गोविंद। गोविंद ने भी कुछ ग्रंथ लिखे हैं, और इसके ग्रंथों की बात करें तो एक ग्रंथ तो लिखता है ये उदार धोरिणी, एक ग्रंथ तो कौन सा लिख रहा है, इधर ध्यान दे लो प्लीज, आपस में बातें नहीं, देखो उदार धोरिणी। और दूसरे ग्रंथ की अगर अपन बात करेंगे तो ये था कला निधि। उदार धोरणी एंड कला निधि, ये दोनों ही ग्रंथों के रचयिता मंडन के पुत्र गोविंद थे, मंडन का बेटा गोविंद। ध्यान रखना दो किताबें लिखी है, उदार धोरणी और दूसरी कला निधि। आजकल की एग्जाम में राजनीति का युद्ध वगैरह क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन ग्रंथों के किताबों के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो विशेष ध्यान रखना इस चीज के अंदर। और आप तो पुस्तकालय की तैयारी कर रहे हो, तो आपको तो वैसे ही मालूम होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा किताबों के बारे में। इसमें देखो गोविंद की उदार धोरणी और दूसरी कौन सी जगह कला निधि, ठीक है, दो तो ये। तीसरा एक था उसका नाथा, ये नाथा थे मंडन के छोटे भाई, मंडन का भाई, बिल्कुल ये मंडन का भाई था और ये मंडन के पुत्र है साहब, ठीक है। इस नाथा ने एक किताब लिखी है,
कौन सी लिखी है? वास्तु मंजरी, वास्तु मंजरी, ठीक है साहब, वास्तु मंजरी। तो इन दोनों को भी लिख लो, लिखो आप, एडिंग डाल लो गोविंद, गोविंद एडिंग डाल लो गोविंद। हाँ दरबारी है, ये सारे दरबारी है, कंप्लीट टॉपिक ही उन्हीं का दरबारियों का चल रहा है। मंडन के बाद में गोविंद, गोविंद के आगे लिख लो मंडन के पुत्र, मंडन के पुत्र। रचनाएं लिख लो दोनों, मंडन का पुत्र हो गया, दो ग्रंथ उदार धोरिणी एंड कलानिधि, उदार धोरिणी एंड नेक्स्ट इज कलानिधि, कलानिधि, ओके। देन नेक्स्ट इज नाथा, कलानिधि, कलानिधि ऊपर वाला है उदार धोरिणी, ये कौन सा है? उदार धोरिणी और दूसरी है कला निधि, आगे दो ग्रंथ ये। तीसरे विद्वान का नाम लिख लो नाथा, नाथा, थोड़ी सी अपनी स्पीड है ना वो बढ़ाओ, और नाथा में पहले लिख लो मंडन का, मंडन का भाई, नाथा कौन था? ये मंडन का भाई, मंडन का भाई। इसकी रचना है वास्तु मंजरी, वास्तु मंजरी। हाँ उसका छोटा भाई है, तो मैंने कब कहा मैंने तो ये लिखा मंडन का भाई है, मैंने तो जो पूछा वो बताया, पर लेकिन उसमें क्या है, मन में आ जाए तो उसमें मन में दवाई मतलब उसको पूछ लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो देखो ये तीनों के बारे में ही है, उसके बाद में और एक इसका विद्वान की बात करें तो कान्हा व्यास, कान्हा व्यास, कान्हा व्यास के बारे में अपन दो चीजें लिखनी है, दो चीजें याद रखनी है। एक तो कान्हा व्यास कहता है इनका वेतनिक दरबारी कवि था, पैसे लेता था और लिखता था, तो वेतनिक दरबारी कवि पैसे देकर अपना इतिहास लिखाने के लिए कान्हा व्यास को उनको अपॉइंट किया गया था, और इसी ने लिखा था एकलिंग महात्म्य ग्रंथ, यानी एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ के रचयिता है वो कौन थे? कान्हा व्यास। तो कान्हा व्यास लिखकर आगे लिख लो कुंभा के वेतनिक दरबारी कवि, कुंभा के वेतनिक दरबारी कवि, पहला लाइन तो ये लिखो कुंभा के वेतनिक दरबारी कवि, और दूसरा इसकी पुस्तक का नाम लिख लो एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना की पुस्तक, कौन सा गया इसका? एकलिंग महात्म्य। एक विद्वान और जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कुंभा संबंधित, सारंग व्यास, कौन सा जगह साहब? सारंग व्यास। ये सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे, तो इसमें केवल एक लाइन लिखनी है आपको कुंभा के संगीत गुरु, कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास। वो तो सारे थे, कोई क्या था कोई क्या था, अलग अलग थे, लेकिन संगीत गुरु जो माना गया है ये माना गया है सारंग व्यास को, ठीक है साहब। आगे बात समझ में, ये तो उससे संबंधित विद्वानों के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो सारी है। इसमें एक चीज और बचती है कि कुंभकालीन उसके जैन दरबारी विद्वान, उसके जैन दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? जैन विद्वान जो उसके दरबार में रहते थे, कोई रचना नहीं है इनकी। हाँ कुंभक जैन विद्वान दरबारी ऐसे लिख सकते हो। तो ये जैन दरबारी कौन कौन से थे? तो देखिए जैन दरबारियों की बात करें तो इनको याद करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, पूरे रटे भी नहीं जाए ना आपको, तो एक नाम याद रख लेना सुंदर, क्या नाम रख लेना? सुंदर। कहीं भी आपको सुंदर शब्द मिल जाए ना किसी विद्वान के नाम, जैसे सोम सुंदर मिल जाए, दूसरा मिल जाएगा आपको सुंदर सूरी मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा सुंदर गुणी मिल जाएगा, सुंदर गुणी मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा जय चंद्र सूरी, जय चंद्र सूरी। तो ये सारे के सारे कुंभा के जैन दरबारी विद्वान थे, यानी विशेषता क्या है, ज्यादातर के नाम के अंदर क्या मिलेगा? सुंदर शब्द मिलेगा। एक शब्द नोटिस कर रहे हो आप, नाम क्या है? सुंदर। तो इस चीज का ध्यान रख लेना,
कि और कहीं भूल जाओ और आपसे ये पूछ लिया जाए कि साहब कुंभा के जैन दरबारी विद्वान नहीं हैं या हैं, तो उसमें कहीं भी सुंदर नाम मिल जाए ना तो तुरंत उसको तो ये तो है, ये तो जरूर है, जिसमें तीन प्रमुख हैं, श्याम सुंदर, सुंदर सूरी, सुंदर गुणी, सुंदर गुणी, सुंदर गुणी, और चौथा हो जाएगा जय चंद्र सूरी। लिख लो चारों के नाम। लिख लिया चारों, चारों सुन लो वापस से, सोम सुंदर, सुंदर सूरी, सुंदर गुणी, जय चंद्र सूरी, जय चंद्र सूरी। ये तो देखो सारे इसके विद्वान थे। अब विद्वानों के बाद में एक क्वेश्चन जो और आता है यहां पर, ये आपसे ये पूछा जाएगा कुंभा की उपाधियां, कुंभा की उपाधियां, आप हेडिंग डालो कुंभा की उपाधियां, कुंभा की कौन कौन सी उपाधियां हैं, उन सारी उपाधियों की देखो अपन बात करेंगे। क्लियर? देखिए कुंभा की उपाधियों के बारे में बात करें अपन, तो इसमें तीन चार उपाधियां बड़ी महत्वपूर्ण है जो अपन को विशेष रूप से याद रखनी चाहिए। बिल्कुल, हिंदू सुरतान, एक उपाधि तो कौन सी है, हिंदू सुरतान। एक दूसरी उपाधि जो अभी मैंने आपको बताई थी, अभिनव भरताचार्य, अभिनव भरताचार्य, साथ साथ लिखते जाओ, अभिनव भरताचार्य। तीसरी उपाधि जो इसकी है ये थी राय रायान, राय रायान। चौथी है इसकी उपाधि गणपति, पांचवी अशुपति, गणपति अशुपति जनपति, और पांचवी है जनपति, छठवी। छठ तो ये है साहब, बहुत सारी है। एक इसकी ऋतुम्रो, ये ऋतुम्रो भी इसी को कहा गया है। हाल गुरु, हाल गुरु, शैल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, बहुत सारे गुरु। जहां कहीं भी ये गुरु मिल जाए ना, ये गुरु कौन है, एक ही आदमी है, और वो कौन है, कुंभा। आपको याद कौन कौन सी करनी है, विशेष रूप से हिंदू सुल्तान, रितम्बर और अभिनव भरताचार्य, ये तीनों एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती है। दान गुरु, ये तो गुरु ही गुरु है सारी, हाल गुरु, सैल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, और भी गुरु हो सकते हैं, कोई तो बड़ी बात नहीं है। ये सारी कुंभा की उपाधियां, राय पिथोरा अलग है, राय रायानी है, राय पिथोरा तो पृथ्वीराज चौहान है, राय पिथोरा कौन है, पृथ्वीराज चौहान, उसको राय पिथोरा बोला गया है। ठीक है साहब, आगे बात समझ में, लिख लिया होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट है, ध्यान रखना कुंभा एग्जाम में, बस इसकी मृत्यु हो रहा है, मृत्यु भी मार डाले इसको अब, चलो लिखो कुंभा की मृत्यु, बहुत देर होगी बेचारे को परेशान होते हुए, अब इसको बिल्कुल गंगा जी पहुंचा देते हैं। हाँ हे देवी, लिखो कुंभा की मृत्यु, कुंभा की मृत्यु, मैं मेरी आदत है देवियों और देवताओं ऐसे बोलने के लिए, वो सभी को बोलता हूँ मैं, ठीक है ना, एक कोई नहीं, कुंभा की मृत्यु, ब्रेक टाइम लिखो 1468 1468 1468। जब कभी भी बोलेंगे ना तो सम्मान का शब्द ही बोलेंगे किसी को भी, ठीक है ना, सम्मान ऐसा शब्द बोलेंगे जिससे आपको रेस्पेक्ट की अनुभूति होती हो हमेशा,
चलो ठीक है ना। कुंभ की मृत्यु, देखो कुंभ की मृत्यु कैसे होती है वो समझाओ। कुंभ की मृत्यु के बारे में ऐसा है कि कुंभ कुमलगढ़ में तो रहता था, अंतिम समय में ये थोड़ा सा सटिया गया था, यानी कि इसे उन्माद रोग से ग्रसित हो गया था, एक शक्की स्वभाव का हो गया था। इसके बड़ा बेटा उदा, इसने देखा कि पिताश्री पता नहीं कब मरेंगे, पागल तो हो ही गया है ये, आधा आधा अशंकित तो हो गया है, तो इसको तो क्या कर दिया जाए, सुलटा दिया जाए और इसके स्थान पर हम राजा बन जाएं। तो मामादेव तालाब जो कोमलगढ़ के अंदर है, वहीं पर मैंने मामादेव आपको मंदिर भी बताया था, उसी मामादेव मंदिर के सामने बैठकर कुंभ तो भगवान की प्रार्थना में विलीन था, यानी भगवान की प्रार्थना कर रहा था, और पीछे से उदा या उदय करण उसका बड़ा बेटा था, उसने जाकर साहब उसकी मुंडी उड़ा दी, यानी उसकी हत्या कर दी। तो कुंभ की हत्या कुंभ के ही बड़े बेटे उदा या उदय करण ने की थी। यही कारण है कि उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता का मतलब होता है पिता की हत्या करने वाला। किसको? उदा को ही तो बता रहा हूं, नहीं उदा को, उदा को कहेंगे देवी, दूसरे को नहीं। लिखो कुमार की मृत्यु। देखो इनके बड़े पुत्र, देखो इनके बड़े पुत्र उदा ओब्लिक उदयकरण, दोनों नाम लिख लीजिए, उदा ओब्लिक उदयकरण ने कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव मंदिर के सामने, मामादेव मंदिर के सामने कुंभा की हत्या कर दी, कुंभा की हत्या कर दी। नेक्स्ट लिखो, उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। और बहुत सारे आएंगे अलग अलग वंशों में, अलग अलग आएंगे। मामा देव, मामा देव तालाब, मामा देव मंदिर, दोनों ही है। ये मेरा कुंभा का टॉपिक कंप्लीट होता है। समझ में आया नहीं आया? किस आज का? देखो आपको क्या करना है, इन चीजों को लिखने वाली चीजें थी, और आपको इसको क्या करना है, आपको याद करना है घर जाके खुद को, इन चीजों को थोड़ा सा आप एक एक चीज को अपन 10 बार रिपीट करते जाएंगे, और उसी तरीके से करेंगे ना, तो फिर आपको वो सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। अब कंटेंट आपके कंप्लीट सारे आपके पास में है, पूरे कंटेंट, इन कंटेंट को याद करने की जिम्मेदारी आपकी है, आपका टाइम है। बाकी टाइम में क्या करोगे आप लोग, यही तो करोगे घर जाके, और यहीं पर अपन जैसे पहले दूसरी क्लास की तरह वो राजस्थान पुलिस वालों की तरह बुला बुला के, बार बार बुला बुला के करें, तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है। और नेक्स्ट टॉपिक में से तो मैं आपको नोट्स दूंगा सारे, और उनको फिर समझाऊंगा, ठीक है? तो आपको कहीं कोई तकलीफ ही नहीं होगी, अभी अपन ही कर रहे हैं। चलो कुंभ के बाद में देखो आगे की तस्वीर क्या होती है। आगे की तस्वीर ऐसा है कि कुंभा का बेटा उदय या उदयकरण, ये उदय या उदयकरण शासक बनना चाहता है, लेकिन अधिकांश जो सिसोदिया सरदार थे ये सारे के सारे रायमल के पक्ष में थे। सब किसके पक्ष में थे? रायमल, जो इनका छोटा बेटा था, क्योंकि ये तो पिता का हत्यारा था, और पिता के हत्यारे को कोई भी राजा नहीं बनाना चाहिएगा। लेकिन फिर भी उसके बाद में जो राज्याभिषेक होता है, ये राज्याभिषेक हो गया साहब उदय करण या उदा का। रायमल के साथ काफी सिसोदिया सरदार आ जाते हैं, तो फिर इन दोनों के मध्य, दोनों भाइयों के मध्य एक लड़ाई होती है, उसको बोला जाता है दाड़िमपुर की लड़ाई। क्या कहेंगे अपन इसको? दाड़िमपुर की लड़ाई होती है। ये लड़ाई 1468 में ही होती है, 1500-1468 में ही दाड़िमपुर की लड़ाई, ठीक है? कौन लड़ाई है? दाड़िमपुर की लड़ाई, उदय करण और रायमल के बीच में। इस लड़ाई के अंदर रायमल की विजय होती है। जो विजय हुई वो किसकी हो गई? आपकी, रायमल की विजय हुई।
अब रायमल की विजय हुई तो ये तो क्या बन गया, मेवाड़ का शासक बन गया। और जो ये उदयकरण था, ये उदयकरण यहां से चला जाता है मालवा। ये कहां पर चला गया, मालवा चला गया। एक बार सुन लो, बाद में बता देना। ये चला गया मालवा, और मालवा में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बोलो। नहीं, पिता के मरने के बाद में तो राज्याभिषेक होगा, पिता को तो मार ही डाल। मैंने क्या लिखा है ऊपर, तो आपकी गलती मेरी थोड़ी है, वो गलती किसकी है, ये गलती किसकी है, मेरी नहीं है ना, गलती आपकी है। मैंने तो मृत्यु लिखाई थी आपका 1468 के अंदर, ये लिखा था, ये था क्लियर मृत्यु का, ठीक है ना। और यही 1468 के अंदर ही मैंने कहां पर लिखा है, दाड़ीमपुर की लड़ाई 1468 में लिखाई है। तो उसके बाद में मरने के बाद में तो राज्याभिषेक होगा, इसका राज्याभिषेक हुआ, लेकिन सिसोदिया सरदार यानी जो भी मेवाड़ के मुख्य मुख्य व्यक्ति थे उनको ये पसंद नहीं था पितृहंता, तो वो सारे किसके पक्ष में आ गए, रायमल के पक्ष में, जो इनका छोटा बेटा था कुंभा का। बताया नहीं था मैंने आपको उसकी आउल बाउल की संधि के अंदर कि कुंभा के छोटे पुत्र रायमल के साथ राव जोधा ने पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह किया था। बताओ किया था कि नहीं किया था, अपन ने किया था ना। तो वही तो बातें हैं, वही तो चीजें यहाँ पर, वही रायमल दाड़ीमपुर की लड़ाई में इसको हराता है, खुद तो राजा बन जाता है, ये उदय यहाँ से मालवा चला जाता है और मालवा में उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे बात समझ में। अब राजा कौन बन गया, रायमल। रायमल की देखो बात करें, ये क्या इतने महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, ये अब सांग आएगा महत्वपूर्ण, ये केवल बीच की कड़ी है, वो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके केवल एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको सीधा लिखाऊंगा इसमें। रायमल 1468 से 1509 तक राजा रहता है रायमल, बहुत दिनों तक राजा रहा। उपलब्धि इसकी क्या है, 11 तो रानिया और 13 संतान, ये इसकी उपलब्धि है साहब। 11 तो इसके क्या थी, रानिया थी, और 13 इसके संतान थी। अब 13 संतान इनके इतने पुत्र हुए कि अपन बात करें रायमल की, 1468 से 1509, 11 रानियां और 13 क्या उसकी संतान, ठीक है। अब इसके 13 संतानें जो थी, सभी पुत्र ये समझ रहे थे कि साहब मैं उत्तराधिकारी हूँ, दूसरा कह रहा है कि मैं उत्तराधिकारी हूँ। अब राजा तो एक ही बने ना, अब इतनी रानियां, सभी का बड़ा पुत्र तो बड़ा ही कहलाएगा, सभी का बड़ा ये कि वही मेरी इसी एक रानी से दूसरा हुआ, वो भी बड़ा है, तीसरा हुआ, वो बड़ा है, सब अलग अलग रानी से पैदा हुए, तो सब अपने आप को बड़े समझ रहे और सब अपने आप को उत्तराधिकारी समझ रहे। इस कारण से ये अपना उत्तराधिकारी उसको चयन कर ही नहीं पाया, और उत्तराधिकारी चयन नहीं कर पाया तो इस स्थिति में उत्तराधिकार का संघर्ष इनके बीच में, इसके जो पुत्र थे इनके बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो जाता है। विशेष रूप से ये उत्तराधिकार का संघर्ष तीन लोगों के बीच में होता है, जयमल, दूसरा जयमल या जगमाल भी इसको बोला गया है, दूसरा पार्थिव सिंह सिसोदिया जिसको उड़ना राजकुमार बोलते हैं, तीसरा संग्राम सिंह जो सानरा संगा के नाम शासक बनता है, और एक और था सारंगदेव, ये इनका चाचा था। तो ये सारंगदेव भी ये चाह रहा था कि मैं इन सबको सुलटा के राजा मैं खुद बन जाऊं,
और ये सब ये चाह रहे थे कि हम राजा बने आपस के अंदर। इनके बीच में संघर्ष चल ही रहा था। ये सारंगदेव बड़ा तेज चतुर था, तो इसने इनको समझाया कि क्यों ना हम आपस में लड़ने के बजाय, आप लोग आपस में लड़ने के बजाय पंडित जी को हमारी जन्म कुंडली दिखाते हैं, और पंडित जी जब जन्म कुंडली देखेंगे तो जिसका राजयोग होगा उसको देख लेते हैं कि पता तो चले राजयोग किसके हैं। तो ये चारों के चारों पंडित जी को जन्म कुंडली दिखाते हैं, तो जन्म कुंडली में ये निकला कि भैया राजयोग तो किसके लिखा हुआ है, संग्राम के लिखा हुआ है। जब राजयोग संग्राम के लिखा हुआ है तो जयमल और पृथ्वी सिंह सिसोदिया, ये जयमल कहता है कि राजयोग लिखा हुआ, मैं इसको जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, यही पर इसको इसका तिया पांचा पूरा कर देता हूँ। जिंदा रहेगा तो राजा बनेगा ना भाई, जिंदा रहेगा तो क्या बनेगा, ये राजा बनेगा। तो इस वक्त ये इसको तलवार से प्रहार करता है, और उसी दौरान इसका एक आंख से ही अंधा हो जाता है, तलवार के मोट से उसको लगती है और राणा संग्राम के एक आंख से अंधा हो जाता है। तो राणा संग्राम अंधा तो हो गया, लेकिन जैसे तैसे बीच बचाव करके सारंग देव ने इनको समझा दिया। फिर कहा कि यार आप आपस में क्यों लड़ते हो, हमारे यही पास में गांव है और वहां की एक चारण जाति की पुजारिन है, बुजागरण नहीं होती क्या गाँव में, जहाँ लेडीज तो जानते इसी तरह से, ऐसे ही एक चारण जाति की पुजारिन, और वो बड़ी लोकप्रिय थी, प्रसिद्ध थी उस जमाने के अंदर, कि वो जो बता देती है ना वही होता है, ऐसा बड़ा उसका नाम था। तो ये चारों के चारों चले गए साहब उस पुजारिन के पास में कि आप बताओ हमारे में से राजयोग किसके लिखा हुआ है। ये चीजें पुजारिन ने भी वही बात कही कि राजयोग तो किसके लिखा हुआ है, संग्राम के लिखा हुआ। अब तो जयमल ने सोच लिया कि मैं इसको कतई जिंदा नहीं छोड़ूं, अब तो मेरे को क्या करना है, इसको मारना ही मारना है। तो आगे तो संग्राम और पीछे पीछे जयमल, भागते भागते दोनों पहुंच जाते हैं मेड़ता। कहां पर पहुंच जाते हैं, मेड़ता। और मेड़ता का उस वक्त जागीरदार था बीदा राठौड़। कौन था उस वक्त, बीदा राठौड़। इस बीदा राठौड़ ने संग्राम सिंह को आश्रय दिया, अपने शरण में रखा। पीछे पीछे कौन चला गया, जयमल चला गया। अब इसके ऊपर आक्रमण करने का मतलब है कि बीदा राठौड़ सामना करेगा। तो बीदा राठौड़ और जयमल के बीच में संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष के अंदर ये बीदा राठौड़ तो मारा गया, लेकिन संग्राम सिंह यहां से भागकर श्रीनगर आ जाता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला नहीं, हमारे अजमेर में भी एक तहसील है श्रीनगर नाम की, कहां पर है, अजमेर के अंदर तहसील है, वहां पर आ जाता है। और वहां पर एक लुटेरा डाकू क्रमचंद पंवार, नाम क्या था, क्रमचंद पंवार, उसके पास में रहने लग गया। ठीक है ना, देखो इंसान की किस्मत कहां से कहां ले जाती, कहां राजकुमार और कहां एक लुटेरे के घर के ऊपर, लुटेरे का जो घर है वहां पर अपना जीवन यापन कर रहा। तो उसी लुटेरे के साथ रहता है, क्रमचंद पंवार के साथ, और उसी क्रमचंद पंवार ने इस शर्त पे रखा कि मैं मेरी पुत्री का विवाह आपके साथ करूंगा, क्योंकि वो समझ गया कि ये जरूर एक दिन राजा बनेगा। देखो जिसके तेज होता है, जिसको लिखा होता है ना, उसको कोई नहीं टाल सकता है, लिखी हुई को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होकर रहेगा, चाहे वो उसका माध्यम कोई सा भी हो। ऐसे ही संग्राम के राजयोग लिखा था, तो किसी ना किसी माध्यम से उसको राजयोग मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा ही हुआ साहब, क्रमचंद पंवार के पास में रहने लग गया, उनकी बेटी से विवाह भी कर लेता है यहीं पर। ठीक है, अब रायमल जयमल पृथ्वी सिंह सब ये तो भूल गए कि सारंग तो गया, वो तो है ही नहीं, और ये क्या हो गया, बिल्कुल गायब। जयमल अपने आप को समझने लग गया उत्तराधिकारी, और राजकुमार भी इसको घोषित कर दिया जाता है कि अब राजा कौन बनेगा, जयमल बनेगा। लेकिन होनी को तो कुछ और ही होना था। इसी वक्त टोडा भीम का जागीरदार, इस कहानी को देखो समझना आप, टोडा भीम का जागीरदार थे सूरजमल। इस सूरजमल से टोडा भीम की जागीर छीन ली जाती है, गुजरात वालों ने इसकी टोडा भीम की जागीर छीन ली। तो ऐसी स्थिति में यह कहां पर चला जाता है, मेवाड़ महाराणा रायमल के पास में चला जाता है, और इसके एक अति सुंदरी पुत्री थी ताराबाई। उसने ऐलान किया कि मैं मेरी इस अति सुंदरी पुत्री ताराबाई का विवाह उसी युवक के साथ करूंगा जो मेरे को टोडा भीम की जागीर वापस दिलाएगा। अब साहब राजा बनने वाला कौन, जयमल। तो जयमल ने सोचा कि मैं ही दिलाऊंगा, अति सुंदरी पुत्री है इसकी, तो अति सुंदरी तो रानी मेरी होनी चाहिए, मेवाड़ की महारानी वही बननी चाहिए साहब, अति सुंदरी बननी चाहिए,
बात भी वाजिब थी, तो जयमल क्या करता है, कोशिश करता है, लेकिन जयमल इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता। जब नहीं हो पाया तो जयमल जबरदस्ती ताराबाई से विवाह करना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है। इसी संघर्ष के अंदर सूरजमल के हाथों जयमल मारा गया। बन गया ये तो राजा, ये तो बन गया ना, किसके हाथों मारा गया, सूरजमल के हाथों ये मारा गया। तो जयमल तो साहब राजा बन गया, अब दूसरा कौन, पृथ्वी सिंह सिसोदिया। ये बहुत तेज धावक था, बहुत तेज धावक, इसीलिए उसको बोला जाता है उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध होता है इतिहास के अंदर पृथ्वी सिंह सिसोदिया। इस उड़ना राजकुमार ने टोडा भीम का जागीरदार सूरजमल को टोडा भीम जीतकर वापस दे दिया। अब वापस जीतकर दे दिया तो शर्त के मुताबिक सूरजमल की पुत्री ताराबाई का विवाह किसके साथ होता है, उड़ना राजकुमार पृथ्वी सिंह सिसोदिया। और इस ताराबाई को ये रखता है अजमेर के किले में। कहां पर रखता है, अजमेर के किले में। यही कारण है कि इस ताराबाई के नाम पर अजमेर का जो अजय मेरु दुर्ग था, गढ़ बीटली दुर्ग था, उसका नाम बदल कर क्या रख दिया जाता है, तारागढ़। माय डियर आपको मालूम होना चाहिए हमारे राजपुताना में दो तारागढ़ है, यही तो अजमेर में और दूसरा कहाँ है, बूंदी के अंदर। अजमेर वाले को तारागढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका नामकरण ताराबाई के नाम पर पड़ा, पृथ्वी सिसोदिया की रानी ताराबाई के नाम पर उसको तारागढ़ कहा गया। जबकि बूंदी वाला जो तारागढ़ है वो पहाड़ियों के बीच में ऐसे स्थित है कि आप अगर उसको दूर से देखोगे तो वो एक आपको तारे के समान ही दिखाई देगा। यही कारण है कि वो दोनों को क्या बोला गया, तारा कट बोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो साहब, पृथ्वी सिंह सिसोदिया की रानी साहब भी हो गई, ठीक है ना, अति सुंदरी, ताराबाई से विवाह कर लिया, राजकुमार भी इसको घोषित कर दिया जयमल की मृत्यु के बाद में, राजकुमारी भी घोषित कर दिया, लेकिन राजयोग तो था ही नहीं ना इसके। इसकी बहन का विवाह हुआ था सिरोही। बहन का विवाह कहाँ हुआ था, सिरोही। बहन और बहनों के बीच में आपस में झगड़े चल रहे थे। अब बहन के लिए तो सबसे बड़ा डोन एक ही होता है, कहीं भी देख लो, बहन के लिए सबसे बड़ा डोन होता है उसका भाई। सारी दुनिया उससे नीचे होती है, वो कोई भी हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे मेरी बहन हो, मेरी बहन के लिए मैं हूँ, आपके आपके लिए आपके भाई होंगे, बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है। सबसे बड़ा डोन समझते हो अपने भाई को, उसके जैसा कोई भी नहीं होता। ऐसा ही साहब, पृथ्वी सिंह सिसोदिया को बुलाया उसकी बहन ने, जैसे तैसे करके बहनोई जी और बहन के बीच में समझौता करा दिया। लेकिन बहनोई बड़ा कमीना इंसान था, ठीक है, एक यूं अपन कह सकते हैं कि धोखेबाज। तो उसने क्या किया, उसने जो लड्डू बांधे, वह इतने दूर जाते थे बोले घोड़े से, रास्ते में भूख लग जाएगी, तो उसने लड्डू बांध के दिए और उन लड्डू के अंदर जहर मिला दिया। अब ये तो रास्ते में खाता आया, खाता आया, खाता आया, जैसे ही कुंभलगढ़ पहुंचता है, पहुंचते इसकी मृत्यु हो जाती है, और जहां मृत्यु हुई वहीं पर छतरी बना दी, जिसको बोलते हैं उड़ना राजकुमार की छतरी। आपने मेरे से पूछा था कुंभलगढ़ में कि ये क्या लेने के लिए आया था, ये लेने के लिए आया था, कहाँ से आया था, ये सिरोही से आया था, और वहां पर आते थे इसकी मृत्यु हो जाती है, और वहीं पर इनका उनकी उसी जगह पर छतरी बना दी जाती है, जिसको बोलते हैं उड़ना राजकुमार की छतरी। आगे बात समझ में, क्लियर चीज। इंसान हमेशा अपनों से ही हारता है, गद्दारी कौन करते हैं, अपने ही करते हैं, ठीक है ना, वही अजय देवगन का डायलॉग, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, वो बिल्कुल 100% सत्य घटना है, सत्य बात है। और यही चीज किसके साथ हुआ, पृथ्वी सिंह सिसोदिया के, उसके बहनों ही ने, उसके बहनों ही ने। तो बताओ, अरे तो उसको बहन ने दिए, लेकिन बहनों ही ने क्या कर दिया, उनमें धोखे से जहर मिला दिया। धोखे से बहन, बहन कभी नहीं कर सकती ऐसा, बहन सबके साथ कर ले, अपने भाई के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती, सबके साथ कर सकती है, भाई के साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। यानी सबसे विश्वास पात्र कोई भाई के लिए होता है ना, तो वो रियलिटी यही होती है कि वो बहन ही होती है, ठीक है, हो गया ये। अब बचा कौन, सारंगदेव, ये भी एक युद्ध के अंदर मारा गया। तो बताओ, जो होनी है वो होकर रहेगी कि नहीं होगी। रायमल को लगा कि इस तो मेरे सारे बेटे मारे जाएंगे, जहां कहीं भी संग्राम है उसको बुलाओ। पुजारी ने, पुजागरण ने और पंडित जी ने सही कहा था कि राजयोग तो किसके है, संग्राम के।
बड़े काजे बाजे के साथ संग्राम सिंह को बुलाया जाता है और संग्राम सिंह आता है 5 मई 1509 ईस्वी को संग्राम सिंह का राज्याभिषेक किया जाता है और वही संग्राम सिंह राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध होता है। बताओ, तभी कहते हैं ना जो होना है ना वो होके रहेगा, जो लिखा है हमारी किस्मत के अंदर वो बदल नहीं सकता, चाहे किसी भी माध्यम से आए लेकिन वो जरूर आएगा। पता नहीं होता अपन को कहां से क्या कब किस्मत खुलेगी। इनकी किस्मत खुली, राजयोग लिखा था, सारे के सारे भाई मारे गए, चाचा भी मारा गया और लास्ट के अंदर ये अकेला बचा, तो इसी को राजा बनाना पड़ा। आगे बात समझ में क्लियर चीज? ये तो कहानी है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो मैं आपको लिखा देता हूँ, कहानी लिखाने की जरूरत नहीं है, ये केवल समझने की बातें हैं, वो तुम समझ चुके होंगे। अब अपन इसके बारे में जो क्वेश्चन है वो लिखा देता हूँ। आप हेडिंग ये डालो, दाढ़ीमपुर की लड़ाई डालो सीधा, पहले दाढ़ीमपुर की लड़ाई। हाँ कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप तो जैसे भी लिखा रहा हूँ वैसे लिखो, दाढ़ीमपुर की लड़ाई, दाढ़ीमपुर की लड़ाई 1468, 1468, ओके लिखो उसके आगे। उदयकरण वह रायमल के मध्य हुआ, उदयकरण वह रायमल, रायमल के मध्य हुआ, रायमल के मध्य हुआ, रायमल की विजय, रायमल की विजय, रायमल की विजय। उदयकरण मालवा चला गया, उदयकरण मालवा चला गया, मालवा चला गया, वहीं पर उनके मृत्यु हो गई, वहीं पर मृत्यु, वहीं पर मृत्यु। अब हेडिंग डाल लो रायमल, रायमल 1468 to 1509 तक ये राजा रहता है। क्या क्या क्वेश्चन बनते, पहला लिखो इसमें, सिंचाई के लिए तालाबों के नाम लिख लो यहां पर एरोसाइन लगाकर, राम, शंकर और समया संकट, राम, शंकर, समया संकट, ये तीन तालाबों के नाम थे, राम, शंकर व समया संकट का निर्माण करवाया, राम, शंकर व समया संकट का निर्माण करवाया, समया संकट का निर्माण करवाया। आगे बात समझ में आ तक, कोई दिक्कत है नहीं है यहां तक? ये तो माय डियर देखो उसके बारे में था। अब आगे लिखो, रायमल अपना उत्तराधिकारी तय नहीं कर पाया, रायमल अपना उत्तराधिकारी तय नहीं कर पाया, उत्तराधिकारी तय नहीं कर पाया, अपना उत्तराधिकारी तय नहीं कर पाया, अतः एरोसाइन लगा के नाम लिखते जाओ, जयमल, पार्थिव सिंह सिसोदिया, संग्राम सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, के मध्य
उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ठीक है ना।